हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज 25 और 26 नवंबर दोनों की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेके। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके बारे में हम जानते हैं। कंटेक्स्ट तो बेसिकली है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने लोगों को लोन दिया, इस चीज़ को लेके बेसिकली कंटेक्स्ट है। तो उसका देखो, सारा डाटा हमें याद नहीं रखना है, बट एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हमें होना चाहिए। और देखो, अगर आपको कोई भी स्कीम वगैरह का, अगर एक बार आपको मुद्रा याद हो, कि मुद्रा का कहने का मतलब उसकी याद हो कि कितने रुपए की वो स्कीम है वो लेके आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको डाटा के तौर पे आप याद रख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या है कि आंसर राइटिंग में डाटा काफ़ी हेल्पफुल है, वो हो जाता है, तो थोड़ा हमें वहाँ पे एक बेनिफिट वो भी मिल सकता है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, वो 2015 में गवर्नमेंट की स्कीम है वो लाई गई थी। अब इसका मोटो क्या था, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन मोटो ये था कि हमारे देश के अंदर जो लोग, जिनको लोन की ज़रूरत है एक तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपना बिजनेस सेटल करने के लिए, उनको बेसिकली लोन है वो प्रोवाइड करवाने के लिए। इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बेसिकली 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से इन्होंने लोन के तीन टाइप करके हैं, एक तो है शिशु टाइप, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। शिशु का मतलब है 50,000 तक का लोन, किशोर का मतलब है कि 50,000 एक से 5 लाख तक का लोन, और तरुण का मतलब है कि 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक का जो लोन है वो तरुण कैटेगरी में आता है। तो एक तुमने कैटेगरी का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक तो इसमें लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था कि 20,000 करोड़ रुपये हैं वो स्मॉल बोरोवर्स को पैसे हैं डिस्ट्रीब्यूट है वो किए जाएंगे। तो बेसिकली इनमें लोन जो इंटरेस्ट चार्ज होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं इस मुद्रा योजना में, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो इससे बात करें तो हमारे देश में काफ़ी लोगों का, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट है वो भी मिला है। इसके साथ ही अहम बात करें कि जो मुद्रा लोन है वो किस किस सेक्टर के लिए अवेलेबल है, ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बेसिकली जो मुद्रा लोन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसमें 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। जिस तरीके से अगर किसी को डेयरी फार्म खोलना हो, या फिर पोल्ट्री फार्म हो, या फिर मधुमक्खी पालन करना हो, या फिर मछली पालन करना हो, इस तरीके के कामों के लिए बेसिकली लोन है वो दिया जाता है, ताकि लोग अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सकें और एम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में क्रिएट है वो हो सके। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके साथ ही अहम बात के जो इसमें लोन दिया जा रहा है, जैसे मान लो कि किसी भी पर्सन ने लोन लिया, उसको 10 लाख तक का लोन मिला है, तो उस लोन को बेसिकली डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड की हेल्प से एक्सेस वो किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको पैसे दे दिए, आपकी इच्छा है तो आप डेबिट कार्ड से पैसे ले सकते हो, कैश ट्रांसफर को भी इसमें थोड़ा साइड है वो रखा गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेके, तो हमें ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या वो देखते हैं। देखो, बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट की एक पहली स्कीम दूसरी स्कीम थी, उसको बेसिकली चेंज करके इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो रखा गया है। तो गवर्नमेंट की जो इसकी पुरानी स्कीम थी, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो कि बेसिकली 2010 में लाई गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, तो उस स्कीम को बेसिकली बाद में यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कन्वर्ट है वो किया गया था, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके। तो एक तो यूपीएससी इस तरीके से पूछ सकती है कि भाई कौन सी स्कीम को इसने चेंज वगैरह किया है। तो ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को बेसिकली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कन्वर्ट है वो किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि कुछ हिस्सा सेंटर देगा और कुछ हिस्सा स्टेट को देगा। जैसे कि हिली एरिया है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और बाकी 10% स्टेट को देना होगा। अगर नॉर्मल स्टेट है तो 60% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% ही, और इस तरीके से इसमें अलग अलग कैटेगरीज रखी गई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बात यह है कि किसको बेसिकली इस योजना में इंक्लूड है वो किया गया है। देखो, अहम बात क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, वो एक कैश ट्रांसफर स्कीम है। इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन है, इसके साथ जो लैक्टिक वुमेन है, मतलब बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, दूध पान कराने वाले महिलाएं हैं जिनकी एज 19 साल से ऊपर है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसी उन्हीं मदर्स को इंक्लूड किया गया है। जो प्रेग्नेंट वुमेन से उनको इंक्लूड किया गया है जिनकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है और उनकी पहली बर्थ के ऊपर अगर बच्चा हो रहा है उस कंडीशन में, पहली लाइव बर्थ पर उनको बेसिकली इसमें कैश ट्रांसफर है वो किया जाता है। अब क्यों पैसे दिए जाते हैं वो भी देखते हैं। देखो, अगर कोई भी वुमेन बच्चे को जन्म देती है डिलीवरी के टाइम पे, तो उसको क्या होता है कि उसकी जो भी जॉब वगैरह है उसमें काफ़ी लॉस होता है, तो कहीं ना कहीं उसको पार्शियल वेजेस कंपनसेशन या मुआवजा प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली चाइल्ड बर्थ के दौरान
उसको रिकवर करने के लिए बेसिकली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कुछ पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी उसकी जॉब होती है वुमेन की, तो वेजेस का जो लॉस हो रहा है और उसके साथ चाइल्ड केयर है और बच्चे को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सके, बच्चे की सेफ डिलीवरी हो सके, इसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, फीडिंग प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है, तो उन सब के लिए बेसिकली पैसा है वो दिया जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर इसमें एक छोटा सा डाटा दिया गया था कि अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में बेसिकली इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि हर तीसरी महिला है वो तो बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब माल न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं, कुपोषण से पीड़ित है कि उसको पर्याप्त खाना है वो नहीं मिलता है। ये फैक्ट आप कहीं यूज है वो कर सकते हो। इसके साथ ही हर सेकेंड महिला ऐसी है जिसको एनीमिया या उसमें ब्लड की कमी है। तो ये कुछ फैक्ट है या हमारे देश की जो रियलिटी है उसको शो करती हैं कि देखो अभी भी हमारे देश में कितनी असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, तो वहाँ इस पॉइंट का यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है क्वाड्री साइकिल्स को लेके। देखो क्वाड्री साइकिल्स, क्वाड्री साइकिल्स बेसिकली क्या है कि एक तरीके की छोटी कार, जिस तरीके से हम दो तिपहिया वाहन देखते हैं, टेम्पो वगैरह होते हैं, उन्हीं ऑटो टाइप की बेसिकली चार पहिया वाहन को बेसिकली क्वाड्री साइकिल्स के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो कि छोटी टाइप की जो कार होती है एकदम नैनो कार से भी छोटी, उनको बेसिकली यहाँ पे क्वाड्री साइकिल्स के नाम से जाना गया है। कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उसने अभी अप्रूवल दे दिया है कि क्वाड्री साइकिल्स हैं इनका पर्सनल यूज है वो हो सकता है, और पर्सनल यूज के लिए इनको इनकी बिक्री है वो अलाउ कर दी गई है। तो इंडिया की जो बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी है उसने बेसिकली अपनी पहली क्वाड्री साइकिल्स है वो इंडिया में लॉन्च की है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले लॉन्च किसने की है और क्या है क्वाड्री साइकिल्स। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि थ्री व्हीलर की जितनी साइज होती है, जितना छोटा थ्री व्हीलर होता है उसी साइज की फोर व्हीलर को क्रिएट करने के लिए, जिसका बेनिफिट क्या होगा, अगर छोटी फैमिली है 3 या 4 लोगों की तो वो आराम से उसमें ट्रेवल कर सकती है, जिससे ना तो क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे और कहीं ना कहीं बच्चे वगैरह हैं, वुमेन है, उनको भी सेफ्टी है वो मिल सकेगी। ये चीज़ बेसिकली इसमें चेंजेस हैं वो किए गए हैं। अहम बात क्या है कि केवल और केवल गवर्नमेंट ने इसको पर्सनल व्हीकल के तौर पे अलाउ है वो किया है, मतलब इसका कॉमर्शियल यूज है वो अलाउ नहीं किया गया है। केवल और केवल इसको भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे, मोटर जो व्हीकल एक्ट है 1988 उसके तहत रजिस्टर है वो किया गया है। तो ध्यान रखना कि क्वाड्री साइकिल्स है क्या बेसिकली। नेक्स्ट जो छोटा सा एक आर्टिकल था वो था प्रमोट कोऑपरेटिव एक्शन प्लान को लेके। देखो बेसिकली ये बैंकों के लिए है क्या, हम काफी बार इस नाम को देखते हैं कि जो प्रमोट एक्शन प्लान है वो है क्या। अब आपको बताऊं, देखो हमारे देश में कुछ बैंक ऐसे हैं, बेसिकली जो ये एक्शन प्लान है इसमें 11 बैंकों को अभी तक इंक्लूड है वो किया गया है। इसमें वो बैंक आते हैं जिनका एनपीए है वो बेसिकली 12% से ज़्यादा है, मतलब वो बैंक जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा हो रखा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या ज़्यादा है, तो वो बैंक कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, उनमें दिक्कत आ सकती है, उसके लिए बेसिकली आरबीआई के द्वारा प्रॉम्प्ट एक्शन कोरेटिव एक्शन प्लान है वो बेसिकली यहाँ पे लाया गया है। अब इस प्लान के तहत ये किया जाता है कि आरबीआई क्या करती है उन बैंकों पे थोड़ा स्पेशल फोकस करती है। जिस तरीके से देखो हम स्कूल में पढ़ते थे तो कोई बच्चा क्लास में काफ़ी शरारत करता था, काफ़ी परेशान टीचर को करता था, तो उस पर क्या स्पेशल अटेंशन की जाती थी और उसको साइड में रखा जाता था, उस पर मॉनिटरिंग की जाती थी। तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा कि जिन बैंकों का एनपीए काफ़ी ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा और उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी कि वो बिना आरबीआई की अनुमति के कुछ काम है वो नहीं कर सकते। नॉर्मल काम चलते रहेंगे, जैसे कि उन्होंने अपनी ब्रांच को कहीं और फैलाना है या अपनी नई ब्रांच खोलनी है तो वो बिना आरबीआई की परमिशन के नहीं खोल सकते। इसके साथ ही वो डिविडेंड लाभांश का जो पेमेंट अगर करना है तो वो भी उसमें उन्हें का एक तरीके से आरबीआई की अनुमति के बाद ही करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम उनकी एक तरीके से ऑडिट है वो करवाई जाती है। तो ये सारी कुछ लिमिट उन पर लग जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं बात क्या है कि उनकी मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है ताकि वो इलीगल एक्टिविटीज ना कर सकें और उनकी जो इश्यूज़ है उससे निपट सकें, तो बेसिकली उन पे लिमिट है वो लगाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन प्लान है वो है क्या, बेसिकली जैसे पीसीए फ्रेमवर्क के नाम से हम काफी बार न्यूज़पेपर में देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली यहाँ पे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, आईएमडी के बारे में। देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बेसिकली क्या काम करता है, पहले तो हम देखते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमारे देश के अंदर एक चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि बेसिकली मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, सीस्मोलॉजी से रिलेटेड और भी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनको लेकर डील है वो करती है। अब थोड़ा हम डीपली समझते हैं कि मेट्रोलॉजी और सीस्मोलॉजी है क्या। देखो अगर कहीं भूकंप वगैरह आ रहा है तो उसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करनी हो या उसके बारे में अलर्ट करना हो तो वो सारे काम स्टडी वगैरह हो वो बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं।
इसके साथ ही अहम बात और देखें, हम जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कहीं बाढ़ वगैरह आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फोरकास्टिंग करनी है, या फिर हम शिपिंग सेक्टर को लेकर फोरकास्टिंग करने की वेदर कैसा रहेगा, फ्लड वगैरह आ रही है कहाँ पे है, सूखा वगैरह, इरिगेशन को लेकर जो भी काम फोरकास्टिंग करनी है, वो सारे काम बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। साइक्लोन्स की बात करें, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे कि रिसेंटली गाजा न्यूज़ में था, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन गाजा हुआ, या फिर ओबी टेम्परेट, कोई भी साइक्लोन हो किसी भी टाइप का इंडिया में आ रहा हो, खैर बेसिकली इंडिया में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आते हैं। इसके साथ ही सर्दियों के अंदर जब शीतलहर चलती है, गर्मियों में जब लू वगैरह चलती हैं, तो उन सब से बेसिकली निपटने के लिए, उन सब के लिए जो भी अलर्ट वगैरह करने का काम है, उनके बारे में जो भी वार्निंग तैयार करनी है, लोगों को अलर्ट करना है, वो सारे काम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। बेसिकली इस डिपार्टमेंट को 1875 में बनाया गया था, मतलब आज़ादी से पहले इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आप ये बताइए कि इस टाइम पे भारत का गवर्नर कौन था? 1875 के टाइम पे आपको बताना है कि भारत का गवर्नर या वॉइस रॉय वो कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अहम बात क्या है, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री कौन सी है? अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत बेसिकली काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली बेस्ड है। तो ये बेसिकली अपने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ फैक्ट में वो यहाँ पे जाने। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूनिसेफ के बारे में। आजकल हम काफ़ी बार यूनिसेफ के बारे में नाम में सुन रहे हैं, और अभी भी रिसेंटली यूनिसेफ को लेकर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो उसे हम देखते हैं। यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। देखो बेसिकली इसे फुल फॉर्म हम बात करें तो इमरजेंसी फंड है एक तरीके से चिल्ड्रंस के। हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, 1946 1945 तक आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो 1945 के बाद ये थी सामने ही कि भाई सारी कंट्रीज ही जो कि वर्ल्ड वॉर में शामिल थी या उसके आसपास की कंट्रीज थी, उनमें बच्चों के या आप बोल सकते हो कि चिल्ड्रंस हैं उनकी प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी, कि भाई उनको ना तो प्रोटेक्ट किया जा रहा, उनके फंडामेंटल राइट्स का हर चीज़ का वॉयलेशन हो रहा था। तो बेसिकली बच्चों को रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसको इस फंड को क्रिएट है वो किया गया था, ताकि बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं इनकी हेल्प है वो की जा सके, जिस तरीके से उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने की बात हो, उनकी न्यूट्रिशंस की बात हो, या फिर एजुकेशन की बात हो, या फिर उनको रहने पीने की हो, इन सारी चीज़ों को फोकस है वो बेसिकली इसके द्वारा किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों की जनरल वेलफेयर के लिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस जो इमरजेंसी फंड है वो डेवलप किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज ने मिल के। इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यूएन के साथ मतलब लिंक है, यूएन, हाँ ऑब्वियसली यूएन इसमें लिंक है, यूएन इसमें शामिल है, वो क्या गया, यूएन के द्वारा बेसिकली इसको मिलके बनाया गया था। तो एक तो बना कब था, अब ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। आप ये बताइए कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही एक्चुअली ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था वो किस रिलेटेड था? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है वो भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, उसके बारे में भी आज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम देखते हैं आगे, इसके साथ ही देखो बच्चों के लिए जैसे कि एचआईवी एड्स से संबंधित प्रोटेक्शन के प्रोग्राम चलते हैं, इसके साथ ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है चाइल्डहुड डिजीज के लिए, तो वो सारे प्रोग्राम भी इसके द्वारा सपोर्ट है वो किए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए, वेलफेयर सर्विसेज के लिए और हेल्थ सर्विसेज के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क बेस्ड है, और अहम बात क्या है, इसको बेसिकली नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा है वो गया है। अब हम चलते हैं इसके बारे में आगे जो फैक्ट है वो देखते हैं। आगे जो फैक्ट है इसका अहम बात है वो है यूनिसेफ के बारे में जो भी रिसेंटली कंटेक्स्ट था, कंटेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम ध्यान से देखते हैं। देखो बेसिकली यूनिसेफ ने एक नॉर्थ ईस्ट की एक सिंगर है जिसका नाम है बेसिकली नाहिद आफरीन, जिसे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, ये साइड में फोटो देख सकते हो, कि जो नाहिद आफरीन है इसको बेसिकली एक अवार्ड, अवार्ड तो हम नहीं बोल सकते एक तरीके से, मतलब एक किसी यूथ एडवोकेट के तौर पे अपॉइंट है वो किया है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। कंटेक्स्ट आपको फिर से बताता हूँ, यूनिसेफ ने बेसिकली एक पॉपुलर सिंगल है नॉर्थ ईस्ट की जो बेसिकली आसाम से है, जिनका नाम है नाहिद आफरीन, तो इनको यूथ एडवोकेट के तौर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एलो एक तरीके से अपॉइंट है वो क्या, क्यों? क्योंकि इस एरियाज में जो चिल्ड्रन साइट है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली आवाज है वो उठाएंगे। तो ये तो है कंटेक्स्ट। अब देखो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि यूथ एडवोकेट है वो किसके द्वारा है, यूनिसेफ के द्वारा बेसिकली ये काम है वो लिया गया है। अब हम थोड़ा एक दो फैक्ट और यहाँ पे देखते हैं। देखो यूनिसेफ है वो बेसिकली बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए काम आपको बताया वो करता है, उनकी आवाज़ है वो इंटरनेशनल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे उठाने के लिए।
अब इन्हीं को क्यों चुना गया, इन्हीं को इसलिए चुना गया क्योंकि देखो इनकी अभी एक रिसेंटली एक मूवी थी, आपको बताओ तो, सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा नाम की मूवी आई थी। उस मूवी में बेसिकली इनके द्वारा प्लेबैक सिंगिंग आप बोल सकते हो गाने वो गए थे, तो काफी पॉपुलर रही थी और उसी आधार पर इनको यूथ एडवोकेट के तौर पर अपॉइंट किया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो भी बेसिकली चिल्ड्रंस का एक आप बोल सकते हो उनको एक्सप्लोइट किया जा रहा है, उनके राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो उनकी आवाज़ है वो बेसिकली नाहिद अफरीन के द्वारा उठाई हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही इनको फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी दिया गया है एक स्टेट की तरफ से, वो भी ध्यान रखना है, आसाम के द्वारा, आसाम स्टेट फिल्म अवार्ड 2018 वो इनको दिया गया है। तो देखो इनको यूनिसेफ के द्वारा इस तरीके से पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन है वो पूछ सकती है और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसका यूज है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में ध्यान है वो यहाँ पे रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है भू आधार को लेके। देखो जिस तरीके से लोगों का आधार तैयार किया गया है, जानवरों का आधार तैयार किया गया है, उसी तरीके से लैंड और जमीन का भी आधार है वो क्रिएट किया गया है। ये इनिशिएटिव उठाया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, 11 डिजिट के नंबर तैयार किए हैं ताकि वहाँ के जो जमीन है या फिर लैंड पार्सल्स हैं उनको ये नंबर प्रोवाइड कराया जा सके और ताकि उनको जब भी चेक करना हो तो इजिली चेक कर सकें। जिस तरीके से आधार नंबर से एक पहचान चेक की सिक्योर होती है, उसी तरीके से लैंड की पहचान करने के लिए भू आधार नंबर है 11 डिजिट का, वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पहला इनिशिएटिव के तौर पे स्टार्ट काम किया गया है। इसमें होगा क्या, जो भी लैंड का रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो किया जाएगा और इसमें बेसिकली रिवेन्यू डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो जाएगा कि वहाँ पे धांधलेबाजी नहीं की जाएगी। अदरवाइज क्या होता है कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं काफ़ी करप्शन करते हैं इन मामलों में और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए भू आधार प्रोग्राम को स्टार्ट है वो किया गया है। एक बेनिफिट इसका यह होगा कि जमीन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ भाई ये जमीन है इस पर्सन की है। तो ये बेसिकली ये न्यूज़ है तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये थे जो आज इश्यू जो हमने यहाँ पे कवर किए, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।